यह है सैमसंग का नया लेटेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M40, जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। तो आखिर क्या खास है सैमसंग के इस नए लेटेस्ट स्मार्टफोन गैलेक्सी M40 में? कैसा है इसका डिस्प्ले, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, कैसा है कैमरा, कैसी है परफॉर्मेंस, वेल सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है। जी हाँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ गैलेक्सी M40 डिवाइस पड़े हुए हैं, ब्रांड न्यू, जो पूरी तरह से पैक है, अभी खुले भी नहीं है। तो इन स्मार्टफोन को मैं गिव अवे करने वाला हूँ। आप में से कुछ लकी विनर्स जीतने वाले हैं ब्रांड न्यू गैलेक्सी M40। कैसे, वेल जानने के लिए ऑफकोर्स आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना होगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम गैलेक्सी M40 के डिस्प्ले से। तो सैमसंग गैलेक्सी M40 में आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दिया गया है। सामने की साइड में यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले दे रखा है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग लगता है। देखा जाए तो जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, नो डाउट। इवन यहाँ पर अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो इस फोन में, जो व्यूइंग एंगल है, जो कलर रिप्रोडक्शन है, वो भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन में यहाँ पर मुझे जो डिस्प्ले है वो वाकई में काफ़ी बढ़िया लगा। बैक साइड डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट बॉडी दे रखी है, जो आता है ग्रेडियंट डिज़ाइन के साथ। नीचे की साइड में यहाँ पर आपको माइक्रोफोन दे रखा है, USB टाइप सी पोर्ट दे रखा है और स्पीकर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन दिया गया है और ऊपर की साइड यहाँ पर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन माइक दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको फ़ोन में किसी भी तरह का 3.5mm जैक नहीं दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ़ोन में फेस अनलॉक फीचर और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दे रखा है, और यहाँ पे मैं कहूँगा ये क्वाइट फास्ट और रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है बैक साइड में, ये थोड़ा सा ऊपर है, जिस तरह से गैलेक्सी के जितने भी M-series स्मार्टफोन है वहाँ पर ऊपर की साइड दे रखा है, सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। बट दैट्स ओके, जब आप इसे यूज़ करोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको फिंगर कहाँ पर रखना है। बट यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर खटक सकती है कि यहाँ पर आपको फ़ोन में किसी भी तरह का 3.5mm जैक नहीं दे रखा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सैमसंग के तरफ से बॉक्स में ही आपको टाइप सी पोर्ट के लिए ईयरफोन प्रोवाइड किया गया, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो ईयरफोन का जो आउटपुट है, जो उसकी साउंड क्वालिटी है, बहुत ही लाउड है और सॉफ्ट भी है। तो यहाँ पर एक बात मुझे ये ज़रूर अच्छी लगी कि बॉक्स में यहाँ पर आपको अलग से ईयरफोन दिया गया है, दैट इज़ गुड। अब बात करें इस फ़ोन के कैमरा की, तो इस फ़ोन में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा दे रखा है। एक दे रखा है 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f1.7 अपर्चर के साथ, दूसरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और तीसरा यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रखा है। तो ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं जो इस फ़ोन के रियर कैमरे से ली गई है इनडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। आप देख सकते हैं कैमरा वाकई में काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है। देखा जाए तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे कैमरा काफ़ी बढ़िया लगा, बाकी जो ओवरऑल इमेज आप देख सकते हैं नेचुरल आपको लगते हैं। यहाँ पर आप डायनेमिक रेंज भी देख सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल फर्स्ट इंप्रेशन में तो मुझे इस फ़ोन का जो रियर कैमरा है वो वाकई में काफ़ी बढ़िया लगा। तो इस फ़ोन से आप 720p, 1080p और 4K तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए मैं आपको ऑटो फोकस चेक करवाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑटो फोकस भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेता है। इवन जो वीडियो में कलर है वो भी आपको काफ़ी बेहतर नेचुरल देखने को मिल जाते हैं। तो ऑटो फोकस तो मुझे इस फ़ोन की अच्छी लगी फ़िलहाल के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये फोकस कर लेता है। चलिए आप स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं। तो थोड़ा सा मैं कैमरे को थोड़ा मूव करता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेबलाइजेशन कैसी है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा इस फ़ोन में स्टेबलाइजेशन कैसी है वीडियोस रिकॉर्ड करते वक्त। यहाँ पर मुझे एक बात अच्छी लगी कि यहाँ पर आप इस फ़ोन से 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको स्लो मोशन और सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन भी दे रखा है, जिसकी मदद से आप स्लो मोशन वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बात मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल इस फ़ोन के रियर कैमरे की, तो यहाँ पर कहूँगा फर्स्ट इंप्रेशन में तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी मैं कहूँगा कि मेरे फुल रिव्यू का वेट करना, जहाँ पर मैं
इस फ़ोन के रियर कैमरे को, ओवरऑल फ़ोन को पूरे अच्छे से टेस्ट करूंगा और बताऊंगा कि आखिर में ये फ़ोन कैसा है, इसका रियर कैमरा कैसा है, इसका फ्रंट कैमरा कैसा है। तो उसके लिए वेट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। सेल्फी कैमरे की बात करें तो इस फोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है f2. अपर्चर के साथ। तो ये कुछ कैमरा सैंपल है जो इस फोन के सेल्फी कैमरे से ली गई है इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में। देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक करता है, लेकिन कुछ लाइटिंग कंडीशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इंडोर लाइटिंग कंडीशन में या फिर कह लो आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में जो कैमरा है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है। इवन जो डिटेलिंग है वो भी आपको इतनी बढ़िया देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर अगर आप आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में सेल्फीज लेते हैं तो देखा जाए तो ये आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में या फिर कुछ ऐसी लाइटिंग कंडीशन जहां पर लाइट काफी अच्छी हो, नेचुरल लगे, तो वहां पर ये काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर लेता है। आगे बढ़ते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस की तरफ यानी कि प्रोसेसर की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस फोन में आपको दे रखा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 जो कि एक 11nm वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आपको नो डाउट परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आने वाली। यहाँ पर अगर आप हैवी से हैवी गेमिंग खेलते हैं HD सेटिंग्स में भी, HD ग्राफिक्स में भी, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आने वाली। फ़ोन में आपको मल्टीटास्किंग के लिए 6GB की रैम दे रखी है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको मल्टीटास्किंग और स्टोरेज में तो कोई कमी नहीं आने वाली। इसकी जो प्राइस है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट से चेक कर सकते हैं। बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3500mAh की बैटरी दे रखी है जो आता है 15W फास्ट चार्जिंग के साथ। OS की बात की जाए तो ये आता है सैमसंग के वन UI के साथ जो कि एंड्रॉयड 9 पे बेस है। यहाँ पर मैं कहूँगा जो वन UI है सैमसंग का उसे काफ़ी अच्छी तरीके से इस फोन में ऑप्टिमाइज कर रखा है। देखो ओवरऑल अगर फ़ोन को देखा जाए तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली यहाँ पर सैमसंग यूजर्स के लिए जिन्हें भी सैमसंग के फ़ोन पसंद है और जो भी सैमसंग के फ़ोन खरीदना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। अब यहाँ पे बात करें इसके बैटरी बैकअप की, यहाँ पर कितनी देर में फ़ोन चार्ज हो जाता है, फ़ोन का कैमरा कैसा है, यहाँ पर फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है और फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है, वेल ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ फुल रिव्यू में, जहाँ पर मैं इस फ़ोन को कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए करीब यहाँ पर इस फ़ोन को अच्छे से टेस्ट करने वाला हूँ। टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको फुल रिव्यू में बताने वाला हूँ कि आखिर में ये गैलेक्सी M40 कैसा है और क्या इसे खरीदना चाहिए और क्या ये फ़ोन ट्रूली वैल्यू फॉर मनी है। तो इसके लिए फुल रिव्यू का वेट ज़रूर करना। इन सभी चीज़ों से हटके अब हम बात करते हैं गिव अवे की, जी हाँ, जिसका आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे पास 3 डिवाइस है, बट 3 में से एक डिवाइस मुझे रखना पड़ेगा यार, क्योंकि टेस्टिंग के लिए, रिव्यू के लिए और कंपैरिजन के लिए, आप सभी लोगों को पता है। बट जो ये 2 डिवाइस है ये पूरी तरह से पैक है, अभी ओपन भी नहीं है, और ये 2 डिवाइस आप में से कोई 2 लकी विनर जीतने वाले हैं। और आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, सिंपल सा कंडीशन है उसे फॉलो करना होगा, उसके बाद ये जो डिवाइस है जो भी जीतेगा उसके घर पे पहुंच जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो कंडीशन वो ये है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, दूसरा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, स्टेप नंबर 3 ये करने के बाद अब आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आपको यहां पे जाके फॉलो करना है। फेसबुक पर फॉलो ना करो चलेगा, बट यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाके फॉलो ज़रूर करना होगा, क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको कांटेक्ट करूँगा और आपको आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि हाँ आप ही विनर हो, और आपको इसी से के थ्रू मैं आपको कांटेक्ट या फिर कह लो मैसेज करूँगा और आपसे एड्रेस पूछूंगा ताकि मैं इस फ़ोन को डिलीवर कर सकूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाके फॉलो कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा से वीडियो पर आना है। वीडियो पर आने के बाद यहाँ पर आपको M40 के बारे में जो कुछ भी कहना है कमेंट कर देना, साथ में वहाँ पर अपना जो भी इंस्टाग्राम और ट्विटर ID है वो भी मेंशन जरूर करना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिव अवे का, ये बात जरूर ध्यान में रखना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप कमेंट में अपना ट्विटर अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो इस बात का ख्याल जरूर रखें और मुझे फॉलो जरूर करें, अपनी रियल ID से फॉलो करना, फेक ID से फॉलो मत करना, इस बात का ध्यान जरूर रखना। तो इंस्टाग्राम पर मैं लाइव विनर अनाउंस करूंगा, तो वहां पर विनर को अनाउंस करने के बाद मैं चेक करूंगा कि उसने मुझे फॉलो करा है या फिर नहीं, अगर फॉलो नहीं कर रखा तो रैंडमली मैं दूसरे विनर को पिक कर लूंगा, तो इस बात का ख्याल जरूर रखना। तो बस ये छोटा सा स्टेप है, और इन सभी चीज़ों से हटके यहाँ पर एक और कंडीशन वो ये है कि यहाँ पर इस वीडियो में कम से कम मुझे 50K लाइक्स चाहिए, मतलब जैसे ही 50K लाइक्स हो जाएंगे उसके 2-3 दिन के अंदर मैं अपने इंस्टाग्राम पर जो भी विनर है वो अनाउंस कर दूंगा।
तो बस यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। अब देखते हैं किसकी किस्मत अच्छी होती है और कौन जीतते हैं ये गैलेक्सी M40 डिवाइस। तो यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखना, वीडियो में 50,000 लाइक कंप्लीट होने के बाद ही मैं विनर अनाउंस करूँगा इंस्टाग्राम में। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जो 50,000 का टारगेट है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब देखते हैं ये एक हफ्ते में होता है, दो हफ्ते में होता है या फिर एक महीने में होता है। जब भी होगा उसके 2-3 दिन के अंदर मैं विनर अनाउंस कर दूंगा। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।